नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई। स्वागत है आपका द नॉलेज में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जो है तो सही, लेकिन जिसे हम कभी भी देख नहीं सकते। आज हम बात करेंगे फोर्थ डायमेंशन यानी चौथे आयाम की। फोर्थ डायमेंशन को समझने से पहले हमें पहले तीन डायमेंशन को समझना होगा। डायमेंशन यानी परिमाण होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर दुनिया का अस्तित्व होता है। जीरो डायमेंशन यानी कि कुछ नहीं, सिर्फ एक डॉट, वो डॉट जिसका आगे पीछे या दाएं बाएं किसी भी दिशा में कोई भी अस्तित्व नहीं है, सिर्फ वो एक बिंदु या डॉट है। लेकिन उससे आगे एक चीज का अस्तित्व है जिसे कहते हैं फर्स्ट डायमेंशन, मतलब कि किसी दो बिंदुओं को जोड़कर जो एक रेखा बनती है उस एक सीधी रेखा को फर्स्ट डायमेंशन कहा जाता है। फर्स्ट डायमेंशन की दुनिया ऐसी होगी दोस्तों जैसे कि उसमें सिर्फ आप आगे और पीछे जा सकते हो, उसमें दाएं बाएं या ऊपर नीचे का कोई भी अस्तित्व ही नहीं होगा। लेकिन उससे आगे आता है डायमेंशन नंबर दो। ये एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें आप आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर जा सकते हो, लेकिन इसमें ऊंचाई या गहराई यानी कि ऊपर और नीचे का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। ये एक सीधी सरल और सपाट दुनिया होगी। लेकिन अब बात करते हैं थर्ड डायमेंशन की, जिस दुनिया में हम रहते हैं। अगर आप फिजिक्स को थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि हम थर्ड डायमेंशन में रह रहे हैं। इस दुनिया में हम आगे पीछे दाएं बाएं या ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। हमारी ये दुनिया जिसे हम देखते हैं वो थ्री डायमेंशनल दुनिया है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों। आपको ये जान के ताजुब होगा कि स्ट्रिंग थियरी ये कहती है कि डायमेंशन एक दो या तीन नहीं है, अभी तो पूरे के पूरे 11 डायमेंशन है। 11 इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग थियरी का रिसर्च और उसका गणित 11 डायमेंशन में ही फिट बैठता है। तो फिर अब हमारी तीन डायमेंशनल दुनिया के आगे चौथा आयाम या फोर्थ डायमेंशन कैसा होगा, चलिए हम इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। ये है डॉक्टर जॉन, जो आप और मेरी तरह ही थ्री डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं। मान लीजिए कि हमारे ही तरह तीन डायमेंशन में जीने वाला इंसान दो डायमेंशन वाली दुनिया के जीवों को मिलने जाए तो कैसा होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर जॉन। मैं आपकी ही तरह तीन डायमेंशन में जीने वाला इंसान हूँ, लेकिन फ्लैट लैंड में आपका स्वागत है। हम जहाँ पर जा रहे हैं वो एक चपटी दुनिया है जिसमें सिर्फ दो डायमेंशंस है, आगे पीछे और दाएं बाएं। इस दुनिया में ऊपर नीचे जैसी कोई चीज नहीं है। और इन दो डायमेंशन में रहने वाले जीवों को हम तीन डायमेंशन में जीने वाले जीवों की कोई भी समझ नहीं है। तो अगर ये मेरी 3D उंगली मैं अगर उन 2D दुनिया में रखूं तो वहां हलबली मच जाएगी। हेलो दोस्त, कैसे हो? कौन हो तुम और कहां से बोल रहे हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? मैं तुम्हारे ऊपर से बोल रहा हूँ। अरे ऊपर से? ये ऊपर क्या होता है? जैसे आगे पीछे होता है, दाएं बाएं होता है, वैसे ही ऊपर नीचे होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो आगे पीछे और दाएं बाएं होता है, ये ऊपर नीचे क्या होता है? ऐसे तो कोई चीज नहीं होती। तुम दो डायमेंशन में रह रहे हो और मैं तीन डायमेंशन में रह रहा हूँ। तुम वो सब नहीं देख सकते जो मैं देख सकता हूँ। तुम्हें ये देखने के लिए वहां जाना होगा जहां से मैं ये सब देख सकता हूँ। जैसे के? मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारे कमरे में एक सेफ है जिसमें 12 सिक्के हैं, एक व्हील है और एक पासपोर्ट है। अब मुझे डर लग रहा है, तुम भूत हो या भगवान? नहीं, मैं इनमें से कोई नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी ही तरह एक जीव हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तीन डायमेंशन में रहता हूँ। पर डायमेंशन तो सिर्फ दो होती है, देखो आगे पीछे और दाएं बाएं। अगर मैं तुम्हारे पेट में गुदगुदी करूं तो कैसा रहेगा? क्रेजी गोस्ट, इट्स इम्पॉसिबल। ओह नो नो नो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तुम देखना चाहते हो? क्या देखना? डायमेंशंस। हाँ, पर कैसे? ऐसे। ओह वाओ, मैं ये कभी नहीं जानता था, ये सब क्या है? तो दोस्तों ये तो सिर्फ थी तीन डायमेंशन की बात। अगर मान लो कि कोई जीव दो डायमेंशन में जीते हैं तो तीन डायमेंशन की कल्पना ही कर पाना उनके लिए असंभव है। लेकिन हम इंसान, हमारा ये यूनिवर्स, हम तीन डायमेंशन में रहते हैं। लेकिन स्ट्रिंग थियरी का कहना है कि डायमेंशन इससे भी आगे है, 4th, 5th, 5th, 6th, यहां तक कि 11 डायमेंशन है।
इसे आप 5, 7, 8, 10 या 11वीं दुनिया भी कह सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल ही हो सकता है कि हमारे आसपास ही चौथे आयाम की दुनिया मौजूद हो। वो जीव हमें देख सकते हो और हम उनकी कल्पना भी न कर सकते हो। स्टीफन हॉकिंग्स ने तो ये भी कहा है कि फोर्थ डायमेंशन टाइम है। अगर आप टाइम के बारे में स्टीफन हॉकिंग्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देखें। लेकिन सच में फोर्थ डायमेंशन क्या है वो हमारे लिए एक कोरी कल्पना है। दोस्तों आगे भी मैं ये ट्राई करूंगा कि फोर्थ डायमेंशन के बारे में हुए रिसर्च के बारे में आपको ज्यादा जानकारी दे सकूं। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।